अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि ऑनलाइन कुरान पाक बच्चों को किस तरह पढ़ाया जा सकता है, फेसबुक पर ऐड किस तरह लगाया जा सकता है। तो फेसबुक पर पेज लगाने के लिए कुछ अहम चीज़ों की ज़रूरत होती है। यह सिर्फ़ और सिर्फ उन कारी हजरात के लिए है जो इस महंगाई के दौर में परेशान हैं, तो फेसबुक पर ऐड लगाकर बाहर ममालिक के बच्चों को कुरान पाक आसानी से सिखा सकते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो बिना टाइम ज़ाय किए आपको सिखाने चला हूँ फेसबुक पर ऐड किस तरह लगाया जाता है। वीडियो को गौर से देखना है कि हम ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाने के लिए अपना इश्तिहार बाहर वाले को किस तरह दिखाएंगे। जी, सबसे पहले आपने अपनी फेसबुक आईडी ओपन कर लेनी है। जी, फेसबुक आईडी ओपन करने के बाद ऊपर आपको निशान आ रहा है तीन डॉट वाला, आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने पेज पे आ जाना है, पेज वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जी, अब मेरा ये पेज बना हुआ है ऑनलाइन कुरान सेंटर वाला, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर आपका पेज नहीं बना हुआ तो आपने सबसे पहले अपना पेज बना लेना, फेसबुक पेज। जी, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो ये मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मैं इसको बूस्ट करा सकता हूँ, लेकिन मैं आज की वीडियो जो है इश्तिहार बनाना है, हमने इस तरह का इश्तिहार के लिए वीडियो बनानी है। तो इश्तिहार के लिए वीडियो आपको दिखाता हूँ, मेरा इश्तिहार कौन सा बना हुआ है। जी, मेरा ये इश्तिहार बना हुआ है, इसको मैं बूस्ट अगेन कर लूँ, यानी कि दोबारा मैंने एक बार इसके बार ऐड लगाया था, दूसरी बार आपको दिखाने के लिए ऐड लगा रहा हूँ। जी, ये मेरा इश्तिहार है फेसबुक का, पेज के ऊपर इश्तिहार बनाना होता है, ये इश्तिहार बन गया है मेरा। जी, इसके ऊपर आपको गेट मोर मैसेज पर क्लिक करना है, गेट मोर मैसेज पर, क्योंकि हमने मैसेज की कंपेन चलानी है तो इसलिए हमने गेट मोर मैसेज पे क्लिक किया। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये अगर आपने व्हाट्सएप नंबर लिखना है तो आपको बिजनेस व्हाट्सएप बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो आपका इश्तिहार देखेंगे आपको मैसेंजर पे मैसेज करेंगे। जी, वेलकम मैसेज ये है, वेलकम मैसेज को एडिट कर लेना है आपने यहाँ से, कि जब आपको कोई मैसेज करे आपका पहला मैसेज उसके पास इस तरह का पहुंचे, वो वेलकम मैसेज होता है। जी, ये आ गया आ गया, इस तरह हमने ये एडिट करना है इसको, एडवांस एडवांटेज एडेंट्स में, ये पाकिस्तान है, इसको मैंने कोई और लिखना है। आपने ये जिस मुल्क में लगाना है अपना ऐड, इधर अपना मुल्क तलाश कर लेना है। मैं जैसे कि लिख रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में, तो मैं यहाँ पे ऐड लगाना चाहता हूँ, आपको देख दें, आपने जो भी सिलेक्ट करना है इधर लिख लेना है। जी, यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो वीडियो है वो अपना ऐड चलाने के लिए है पैर ममालिक में। ये यूनाइटेड स्टेट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ये क्लिक हो गया। अब मैंने नीचे आके सेव कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे आपके सेव कर लेना है जिस मुल्क में चलाना है। जी, आपका सेव हो गया यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद आपने उम्र कम या ज़्यादा कर लेने कि आपका इश्तिहार किस उम्र के लोगों को दिखे, यानी किस उम्र के लोग आपका इश्तिहार देख सकें, तो आपने यहाँ से उम्र सिलेक्ट कर लेनी है। नीचे मैन देखना है, वूमेन देखें या आल देखें, मैं तो कहता हूँ कि आप आल पे सिलेक्ट कर लें, इसलिए यहाँ पर आके सेव एविडेंस कर दें। जी, नीचे आप आ जाते हैं, आपने बार बार तसल्ली कर लेनी है कि कोई मिस्टेक ना हो, वीडियो को आगे पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। जी, ये मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना हुआ तो कि बस ना नहीं, आपका इश्तिहार जो है फेसबुक वाले ही देखेंगे। जी, यहाँ पे आ गया है पेमेंट मेथड, कि आपका जो है वो डेली के कितना पैसे कटने चाहिए, डेली के पैसे, या एड कितने दिन के लिए चलाना चाहते हैं, तो आपने इधर मुंतखब रकम करनी है। जी, ये डेज लिखे हुए हैं, डेज कम या जमा या नफी वाला ऑप्शन है ड्यूरेशन में, तो आप
डेज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि किस कितना दिन आप ऐड चलाना चाहते हैं जी। ये अगर आपके पास ऑप्शन ना हो पीपल यूज चूज थ्रो टारगेटिंग तो कोई मसला नहीं है, अगर हो तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना पीपल यू चूज थ्रो टारगेटिंग। हम नीचे आ जाते हैं, पेमेंट मेथड है यहाँ पे आ जाता है नीचे, ये जमा या नफी मतलब जितना दिन चलाना है आपने, तो नीचे आ पेमेंट मेथड। मेरा तो एक बार लगा हुआ है पेमेंट मेथड, यानी कि हमने एटीएम का यहाँ पे दर्ज करना होती है, एटीएम के पिन कोड वगैरह सब चीज़ लिखनी होती है, तो ताकि जब हम पैसे लगाएं तो वो हम के हमारे अकाउंट में से वो पैसे काट लेते हैं जी। आपको एटीएम यहाँ पे एटीएम लगाना होगा, यानी कि एटीएम के नंबर कोड ये पासवर्ड एमपीएन कोड। अब यहाँ पे पोस्ट बोस्ट कर देना है आपका ऐड लग जाएगा, तो आपको मैसेंजर पे मैसेज भी करेंगे, आप अपना ऐड देख भी सकते हैं फेसबुक में जाके। ठीक है, इस तरह आपने फेसबुक पर ऐड लगाना है ताकि बाहर ममालिक के लोग बच्चों को आपसे रब्ता करेंगे, फिर आप उनके बच्चे पढ़ेंगे आपके पास, तो बाहर ममालिक के जो लोग हैं उनको कारी नहीं मिल रहे, उनको कारी की ज़रूरत है। तो जब आप ये लगाएंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा और 100% रिज़ल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपने ये ऐड लगा लेना है, जब ये सब सेटिंग कर लें उसके बाद पोस्ट बोस्ट नो कर देना, आपका ऐड लग जाएगा। ये वीडियो ख़ास कारी हजरात के लिए मैंने बनाई है जो बच्चों को कुरान पाक सिखाना चाहते हैं, वो यूरोपियन ममालिक में अपना ऐड लगाएं। किसी भी भाई को कोई बात समझ ना आई हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, और जिसका फेसबुक पेज नहीं बना हुआ तो वो भी कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे, मैं उसको फेसबुक पेज बनाने का तरीका समझा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।